हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं सॉकेट एंड स्पाइगॉट। ये फर्स्ट पार्ट है सॉकेट एंड स्पाइगॉट का, ये सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट है क्वार्टर पेन जो इसमें बीच में अटैच होगी। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में कितना डायमीटर दिया है, यहाँ 64 मैंने पेन से लिख दिया है क्योंकि इसमें डायमेंशन ठीक से विजिबल नहीं है। ये डायमीटर दिया है इसका 64, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दी है 25 और यहाँ से लेके यहाँ तक की दी है 34। इसका डायमीटर यहाँ पे दिया है कितना, 44। उसके बाद इनर वाले का दिया है 32, यहाँ से यहाँ तक 62 प्लस 25 कर देना, ये 32 डायमीटर वाले की लेंथ निकल आएगी। नेक्स्ट उसके बाद जो एक्स्ट्रा शाफ्ट निकली है उसके का डायमीटर दिया है 25। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो दिया है 32 वाला डायमीटर, जो सेकंड पार्ट है ये 32 डायमीटर वाला, ये 32 वाला पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जाएगा। इस पार्ट को इसके अंदर असेंबल करेंगे, इस पार्ट के को पिन को, ये जो 34 वाला गैप है जिसमें पिन में भी डायमीटर दिया है 34, ये वाला पार्ट इसके अंदर असेंबल होगा और पूरी लेंथ इसकी दी 100 जो इसके अंदर फिट होगी। अब देखिए हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट यहाँ पर बनाया है, ये किया है हमारा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हाफ सेक्शनिंग बनाया है हमने, तो जो सेकंड वाला पोर्शन है इसका हाफ वो डॉटेड लाइन से दिखाया है ताकि ये वे पार्ट जो हिडन है ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है और हाफ पार्ट को सेक्शनिंग की है। ये फर्स्ट पार्ट का 64 वाला डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की 25 डिस्टेंस है जिसकी, और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 62 की डिस्टेंस है। और जब वो सेकेंड पार्ट अटैच करेंगे इसमें जिसका डायमीटर ये 44, यहाँ से यहाँ तक की 12 की का डिस्टेंस है और ये पूरी डिस्टेंस दी है यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड पार्ट है ये 12 की है, ये 44 की डिस्टेंस है और ये जो पिन अटैच हुई है कितने गैप में, 22 के गैप के बाद अटैच हुई है। तो यहाँ पे क्या है, 22 और 25, तो ये यहाँ पे इस पोर्शन में 3 mm का गैप आ जाएगा। सर पाउस करिए, 3 mm का गैप आ जाएगा, तो ये यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 mm का गैप बना देंगे। उसके बाद क्या, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस बच गई, 24, टोटल 62 है और ये 34 प्लस 24, तो ये जो प्लस करेंगे 34 प्लस 24 तो यहाँ पे 4 mm का गैप आ जाएगा। तो ये 4 mm का गैप जहाँ जो यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है ये 20, जो ये डिस्टेंस हमने बना दी 20, उसके बाद 25 वाला डायमीटर। इसके प्रोजेक्शन ऊपर से एक्सटेंड करेंगे टॉप व्यू के लिए, तो हमारा क्या दिखेगा, 64 वाला डायमीटर, 44 वाला डायमीटर जिसकी डिस्टेंस है 25, इसकी है 12 और यहाँ से यहाँ तक की 62, सेकेंड पार्ट में 4 mm का गैप, अगेन फिर 32 वाला डायमीटर, 44 वाला डायमीटर और 25 वाला डायमीटर। ये क्या, ऊपर से जब हम पिन को देखेंगे यहाँ से तो सिर्फ पिन की थिकनेस दिखेगी और ये कर्व दिखेंगे, ना कि पूरी लेंथ दिखेगी ऊपर से, तो 6 mm का डायमीटर दिखेगा और पूरी लेंथ दिखेगी। अब इसके प्रोजेक्शन हम एक्सटेंड करेंगे तो कौन सा, हमें इसके प्रोजेक्शन एक्सटेंड करने पे सिर्फ सर्कल दिखेंगे, तो ये 44 वाला सर्कल दिखेगा, 25 वाला सर्कल दिखेगा और टोटल 64 वाला सर्कल दिखेगा। 32 वाला सर्कल जो है वो हिडन है इसलिए इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ये देखिए, ये टॉप व्यू में टोटल 64 वाला सर्कल, इसके प्रोजेक्शन यहाँ से एक्सटेंड करेंगे 32 वाले के, ये 64 वाला सर्कल दिखेगा, देखिए ये टोटल हाइट दिखेगी पिन की, ये दिख रही है जो टॉप व्यू में, ठीक है, पूरी 100 की हाइट दिखेगी पिन की, क्वार्टर की 64 वाला सर्कल दिखेगा जिसका रेडियस आ जाएगा 32 और एक और सर्कल दिखेगा 44 जिसका रेडियस आ जाएगा 22, एक सर्कल